और नियम था कि 8 बजे सुबह में हम फोन रोज करें। तो मुझे लगा कि मेरा ये ख्वाब जो है शायद अब पूरा नहीं होगा, क्योंकि अब मैं क्या करूं, अब मैं अपने आप को संभालूं, अपने फैमिली मेंबर्स को संभालूं, मैं भी इन बच्चों जैसा हूं। सरकार की तरफ से तो कोई इस वक्त 11 बज रहे हैं। बोलते थे तू डॉक्टर बनना, वो इंजीनियर बनेगा, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तू डॉक्टर बन जाएगी, तब आऊंगा। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए आतंकी हमले में कई घर उजड़ गए। इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई। इन 7 घरों में इस समय मातम पसरा हुआ है। परिवार वालों का रो रोकर बुरा हाल है। किसी की आंखों में आंसू हैं, तो किसी की आंखों में आतंकियों के लिए भरपूर गुस्सा। इन्हें जो घाव मिले हैं वो शायद ही कभी भरेंगे। आतंकियों ने हमले का दिन भी चुना, तो आपको पता है वो कौन सा दिन था? वो था करवा चौथ का दिन, जब सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। हमले में मारे गए शशि अबरोल की पत्नी रुचि ने चांद निकलने के बाद पति को वीडियो कॉल किया, लेकिन फोन नहीं उठा, सिर्फ घंटी बजती रही। चांद दिखने पर जब वीडियो कॉल किया तो ऐसी ही कई दर्दनाक कहानियां हैं इसी हमले से जुड़ी हुई। चलिए एक एक करके उन परिवारों के किस्से सुनते हैं। जम्मू के तालाब तिल्लू के रहने वाले शशि अबरोल की पत्नी रुचि ने करवा चौथ का व्रत रखा था। आर्किटेक्ट पति गांदरबल में एक प्रोजेक्ट साइट पर काम करने के लिए गए थे। उनका शाम को घर आ पाना मुमकिन नहीं था। ऐसे में रुचि ने शाम को मंदिर में पूजा करने के लिए जाने से पहले पति से बात की। शशि ने पत्नी से वादा किया कि वो चांद निकलने पर वीडियो कॉल करेंगे। आसमान में चांद निकला, लेकिन शशि अबरोल का फोन नहीं आया। शशि अबरोल की जब पत्नी ने वीडियो कॉल किया तब भी शशि अबरोल का फोन नहीं उठा। रुचि को लगा किसी काम में बिजी होंगे। कुछ समय बाद फिर रुचि ने फोन किया, लेकिन फिर घंटी बजती रही। रात 12 बजे तक रुचि अपने पति को फोन करती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 12 बजे के बाद फोन अचानक से स्विच्ड ऑफ हो जाता है। सुबह खबर आती है शशि अबरोल की आतंकी हमले में मौत हो गई। इसके बाद शशि अबरोल के घर में जो मातम पसरा है वो देखकर ऐसा लगता है कि शायद रुचि के जीवन में अब कुछ नहीं बचा। रुचि और उनकी 8 साल की बेटी का रो रो कर बुरा हाल है। बेटी माँ के आंखों से आंसू पोंछती है, कहती है मम्मी रोना मत, लेकिन मासूम की आंखों से भी आंसू रुक नहीं रहे। कल वीडियो कॉल आई थी मुझे, बस एक मिनट बात हुई, 6 बजे के करीब। मैं मंदिर जा रही थी, मैंने कहा मैं आके करती हूँ बात, आके फोन लगाया, 8 बजे से फोन कंटिन्यू से लगा रही हूँ, 12 बज गए, फोन नहीं उठाया उन्होंने, ना वहां से हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली। फिर मैंने इनके फ्रेंड को फोन किया, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसी बात हुई है, मिलिटेंट्स आ गए वहां पे, लेकिन इनका कोई पता नहीं चल रहा कहां पे है। जिस तरह से श्रीनगर में काम करती है, आपको कभी डर नहीं लगा, आपने रोका नहीं जाने? कभी ऐसी बात हुई नहीं, वहाँ इतनी सिक्योरिटी थी इनके कैंपस के, वहाँ पे खुद ही बताते थे कि बहुत सिक्योरिटी है वहाँ पे, कोई ऐसी वो नहीं है बात। अब तो कंप्लीट हो गया था प्रोजेक्ट, बस इनका 1 मंथ का ही था कुछ। ऐसा ही किस्सा पंजाब के बटाला का भी है। पंजाब के बटाला के रहने वाले 40 साल के गुरमीत अपनी पत्नी चरणजीत के साथ बात कर रहे थे। पत्नी ने करवा चौथ का व्रत रखा था, शाम का वक्त था, गुरमीत भी काम खत्म कर चुके थे, दोनों बातें कर रहे थे, तभी चरणजीत को पटाखे चलाने की आवाज फोन पर आई। चरणजीत ने गुरमीत से पूछा कि ये कैसी आवाज है। गुरमीत ने कहा ऐसा लग रहा है साइट पर आतंकियों ने हमला कर दिया है, ये पटाखे नहीं गोलियों की आवाज है। इसके बाद गुरमीत की मुंह से चीखें निकल आई। चरणजीत ने पूछा क्या हुआ, गुरमीत ने कहा हाथ में गोली लगी है, फोन रखो। इसके बाद फोन बंद हो गया। चरणजीत ने सोचा नहीं कि पति गुरमीत से ये उसकी आखिरी बातचीत थी। इसके बाद वो कभी अपने पति से बात नहीं कर पाएगी। चरणजीत का अब रो रोकर बुरा हाल है, वो बार बार उस फोन कॉल का जिक्र कर रही है। एक ऐसा ही किस्सा और भी है, पिता शाहनवाज, जब बेटे का ख्वाब अधूरा रह गया, ये दर्द की तीसरी कहानी है। कश्मीर के बड़गाम जिले के डॉक्टर शाहनवाज अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसके साथ ही उनके बेटे मोहसिन का भी ख्वाब टूट गया। शाहनवाज अपने बेटे मोहसिन को आईएएस ऑफिसर बनाना चाहते थे। पिता की मौत पर बेटे मोहसिन के आंखों से आंसू नहीं थम रहे, वो बोले पिता के साथ मेरा ख्वाब भी चला गया,
मैं आईएएस बनना चाहता था। पिता इसके लिए बहुत मेहनत करते थे। कई बार मैं उनसे कहता था, इतनी मेहनत क्यों करते हो, थोड़ा आराम कर लो। इस पर वो कहते, एक बार तुम आईएएस अधिकारी बन जाओ, इसके बाद मैं आराम कर लूँगा। मोहसिन कहते हैं, दरअसल जिस तरह की खबरें सामने आई उसके मुताबिक मोहसिन कहते हैं, अब मेरा ख्वाब पूरा नहीं होने वाला क्योंकि इसे पूरा करने वाला ही चला गया, यानी उनके पिता शाहनवाज। मोहसिन के घर में भी मातम पसरा हुआ है, परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। गांदरबल में हुए आतंकी हमले में डॉक्टर शाहनवाज की भी मौत हो गई। मेरा पापा डॉक्टर शाहनवाज डार, जो एक ऑनेस्ट पर्सन माना जाता है इस एरिया में, जो अपनी ड्यूटी ख़त्म करके वहाँ सोरा में कैजुअलिटी में होता था, वहाँ देखता था अपने एरिया का कोई बंदा मत है, मैं उसकी कुछ हेल्प कर सकूँ। मेरा पापा, उसने मुझे 10th के बाद इंसिस्ट किया, आप मेडिकल ले लो। मैंने बोला, पापा मेरा कोई मेडिकल में इंटरेस्ट नहीं है, मैं एक आईएएस ऑफिसर बनना, आपका ये ख्वाब पूरा करूँगा, मैं खून पसीना एक करूँगा, लेकिन आपका ये ख्वाब ज़ाया नहीं होने दूँगा, क्योंकि ये मेरे दादा का ख्वाब था। मेरा दादा एक इंस्पेक्टर था, उसने मुझे बचपन में बोला था, बेटा तू, तेरा चेहरा बताता है तू एक आईएएस ऑफिसर बनेगा। मेरे पापा ने बोला, मैंने ठान लिया है मैं आपको एक आईएएस ऑफिसर बनाऊंगा। लेकिन कल जब मैंने ये खबर सुनी तो मुझे लगा कि मेरा ये ख्वाब जो है शायद अब पूरा नहीं होगा, क्योंकि अब मैं क्या करूँ, अब मैं अपने आप को संभालूँ, अपने फैमिली मेम्बर्स को संभालूँ, मैं भी इन बच्चों जैसा हूँ, अब इन बच्चों, ये बच्चे खेलते कूदते हैं, मैं क्या करूं, मुझ पर मुसीबत आ पड़ी है। अब मेरी इंतज़ामिया से यही गुजारिश है कि वो आए, एसएसपी से मैं गुजारिश करता हूं, एसपी साहब से गुजारिश करता हूं, डीसी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो यहां आए, मेरे इस ख्वाब पर वो ध्यान दे कि ये बच्चा क्या करना चाहता है, मेरा ख्वाब ज़ाया नहीं होना चाहिए, बस यही मेरी इल्तिजा है। गांदरबल के आतंकी हमले में मारे गए शशि अबरोल की एक 8 साल की बेटी है, वो बार बार अपनी दादी से पूछ रही थी, पापा कब आएंगे। माँ और दादी ने जब उसे समझाया, उसके पापा अब कभी नहीं आएंगे। आतंकियों ने उसके पापा को मार दिया तो उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे, चेहरे पर गुस्सा भी था। उसने कहा, आतंकवादी बहुत बुरे हैं, उन्होंने मेरे पापा को मार दिया। आतंकवादी कौन होते हैं शायद अभी इस मासूम को पता भी नहीं है, लेकिन आतंकियों ने जो दर्द इस मासूम को दिया है उसे वो शायद ही भुला पाएगी। पापा को याद करते हुए इसके आंसू नहीं थम रहे। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के गगनीर इलाके में आतंकियों ने बीते रविवार को एक डॉक्टर समेत 7 लोगों की हत्या कर दी। आतंकी हमले में बिहार के 3 मजदूरों की मौत हुई है, जिनकी पहचान फहीमन नासिर, सेफ्टी मैनेजर, मोहम्मद हनीफ और कलीम के तौर पर हुई है। इस आतंकी हमले में 5 मजदूर जख्मी हुए हैं। वहीं गांदरबल आतंकी हमले की जांच अब एनआईए करेगी। इस घटना के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने निंदा की, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग उनके बयान की आलोचना कर रहे हैं। गांदरबल के आतंकी हमले पर बयान देते हुए उमर अब्दुल्ला ने इसे उग्रवादी हमला कहा था। उन्होंने इस हमले पर आतंकवादी शब्द के इस्तेमाल से परहेज किया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, सोनमर्ग क्षेत्र के गगनगीर में गैर स्थानीय मजदूरों पर डरपोक और कायरतापूर्ण हमले की बेहद दुखद खबर। ये लोग इलाके में एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना पर काम कर रहे थे। इस उग्रवादी हमले में 2 की मौत हो गई, 2 से 3 घायल हो गए हैं। मैं निहत्थे निर्दोष लोगों पर हुए इस हमले की कड़ी निंदा करता हूँ, उनके प्रियजनों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर करता हूँ। उमर ने लिखा, प्रार्थना है घायल पूरी तरह से ठीक हो जाए। गंभीर रूप से घायलों को SKIMS श्रीनगर रेफर किया गया है। उमर अब्दुल्ला के इस पोस्ट के बाद लोगों ने उनकी आलोचना की। एक यूजर लिखते हैं कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री आतंकवादियों को आतंकवादी भी नहीं कह सकते। दूसरे एक्स यूजर का कहना है, बधाई हो, NC और आतंकवाद दोनों ने जम्मू कश्मीर में वापसी कर ली। आपके परिवार का आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति रखने का इतिहास रहा है, कम से कम सार्वजनिक मंचों पर उन्हें उग्रवादी जैसे नरम शब्दों का उपयोग करने के बजाय आतंकवादी के रूप में संदर्भित करना शुरू करें। आपको बता दें, गांदरबल जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का विधानसभा क्षेत्र है। वो गांदरबल से चुनाव जीतकर विधायक बने। जिस शिविर पर हमला हुआ वो जेड मोड़ सुरंग के पश्चिमी मुहाने पर सिंध नाले के पास है। रविवार रात करीब 8 बजे श्रमिक और अधिकारी मेस में खाना खाने जा रहे थे, उसी दौरान आतंकवादियों ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। आतंकी स्वचलित हथियारों से लगभग 2 से 3 मिनट तक गोलीबारी करते रहे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।